गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरएस इलेक्ट्रिकल में। आज का हमारा टॉपिक है सिलेक्टर स्विच या रोटरी स्विच कैसे काम करता है। दोस्तों, मैंने सिलेक्टर स्विच की आपको तीन पोजीशन दिखाई हैं, जिनमें जीरो ऑफ कंडीशन के लिए होता है और एक हम ऑटो के लिए यूज़ करते हैं और दो हमारा मैनुअल के लिए यूज़ करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम एक को ऑटो में यूज़ करेंगे और दो नंबर को मैनुअल में। आप दो नंबर को ऑटो में यूज़ कर सकते हैं और एक नंबर को मैनुअल में यूज़ कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करेगा कि आपको कौन से पे ऑटो डालना है और कौन सा पे मैनुअल। दोस्तों, अब मैं इसके वर्किंग की बात करता हूँ। इसके बैक साइड में 8 टर्मिनल होते हैं, जिनमें से 4 ऊपर की साइड 1-2 A1-B1 और 4 नीचे की साइड A2-B2 और 2 पर कुछ नहीं लिखा रहता है। सिलेक्टर स्विच की किसी भी कंडीशन में, चाहे सिलेक्टर स्विच ऑफ हो, ऑटो में हो या मैनुअल में हो, पॉइंट नंबर 1-2 और जस्ट उसके नीचे वाला A2-B2 के साइड वाला आपस में शॉर्ट रहते हैं। इन्हें हमें शॉर्ट करने की आवश्यकता नहीं होती। कंपनी से जैसे हम नया खरीद के लाते हैं तो उसमें यह इंटरनली अंदर से ही आपस में शॉर्ट रहते हैं। सिलेक्टर स्विच में कॉपर की एक पत्ती होती है। जब सिलेक्टर स्विच ऑफ कंडीशन में होता है, जीरो पर होता है, तो हमने आपको फोटो में दिखाया है सिलेक्टर स्विच के अंदर जो कॉपर की पत्ती होती है वो बिल्कुल सीधी खड़ी रहती है, किसी भी टर्मिनल से टच नहीं होती। मान लीजिए हमने पॉइंट नंबर 1-2 को फेज दिया है और पॉइंट नंबर 1-2 उसके नीचे वाले पॉइंट से शॉर्ट है, तो फेज़ हमें वहाँ भी मिलेगा। तो जब हम सिलेक्टर स्विच को एक नंबर पर सेट करेंगे तो पॉइंट नंबर A1-B1, पॉइंट नंबर जिस पर कुछ नहीं लिखा, उससे आपस में शॉर्ट हो जाएगी कॉपर की पत्ती, तो हमें फेज A1-B1 पे मिलने लगेगा, जिसे हम ऑटो के लिए यूज़ कर सकते हैं या मैनुअल के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह जब हम सिलेक्टर स्विच को पॉइंट नंबर 2 पे सेलेक्ट करते हैं तो पॉइंट नंबर 1-2 और A2-B2 आपस में शॉर्ट हो जाते हैं। कॉपर की पत्ती टर्मिनल नंबर 1-2 और A2-B2 से शॉर्ट हो जाती है आपस में, तो हमारा फेज़ हमें A2-B2 पे मिलने लगता है, जिसे हम ऑटो या मैनुअल दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। A1-B1 को अगर हम ऑटो के लिए यूज़ कर रहे हैं तो A2-B2 को मैनुअल के लिए यूज़ करेंगे।